नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीडी फ्रीडीज के 17वें ऑक्शन के बारे में, जिसमें कुछ चैनल पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं। बताएंगे इन चैनल्स के बारे में विस्तार से, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले आप देख रहे हैं वहाँ फ्रीडीज यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपके साथ इरफान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीडी फ्रीडीज के 17वीं ई ऑप्शन के बारे में, जो कि होने जा रहा है MPEG 2 स्लॉट्स के लिए। लेकिन वहीं बात करें MPEG 2 स्लॉट्स में सिर्फ एक ही स्लॉट खाली है, जिसके लिए 17वां ई ऑप्शन प्रसार भारती ने रखा है। लेकिन फिर भी हम कुछ चैनल्स के नाम आपको बता देते हैं जो डीडी फ्रीडीज के 17वीं ई ऑप्शन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसकी वजह है कि ये MPEG 2 स्लॉट्स के लिए 17वां ई ऑक्शन होने जा रहा है, इसीलिए सभी चैनल इस 17वीं ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत से चैनल हैं जो डीडी फ्रीडीज पे आना चाहते हैं, लेकिन स्लॉट्स खाली ना होने की वजह से डीडी फ्रीडीज पर अभी तक नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया डेली लाइव। जी हाँ, इंडिया डेली लाइव एक न्यू चैनल है जो अब जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे चुके हैं कि इंडिया डेली लाइव न्यूज चैनल आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात करें एक GSC कैटेगरी के चैनल्स के बारे में, जिसका नाम है अतरंगी टीवी। जी हां, अतरंगी टीवी ने भी घोषणा की है कि सभी DTH एंड केबल ऑपरेटर्स पर आपको दिखने वाला है अतरंगी टीवी नए अंदाज में। तो हो सकता है अतरंगी टीवी डीडी फ्रीडीज के 17वें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे और स्लॉट विन करने में भी कामयाब रहे। और वहीं बात करें तीसरे चैनल का नाम है लम्हे। जी हां, आयन 10 मीडिया का बहुत जल्द लॉन्च होने वाला चैनल है, जिसका नाम है लम्हे। और वहीं बात करें स्टार उत्सव 2, जी हाँ, स्टार उत्सव 2 चैनल्स भी बहुत जल्द लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है। हाल ही में इस चैनल के लिए बहुत ही चर्चा में बना हुआ है स्टार उत्सव 2। जी हाँ, स्टार उत्सव 2 भी डीडी फ्रीडीज पर भाग लेता नजर आ सकता है 17वें ई ऑक्शन में। और वहीं बात करें इंडिया डेली पोस्ट, जी हाँ, इंडिया डेली पोस्ट नाम का एक न्यूज चैनल है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये चैनल भी डीडी फ्रीडीज के 17वें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जो हमने टीवी चैनल्स बताए वो 17वें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके विनिंग रहे, आप इन चैनल्स में से कौन सा चैनल देखना पसंद करोगे? आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि डीडी फ्रीडीज के 17वें ऑक्शन में ये चैनल विनर रहना चाहिए, जिसको आप देखना पसंद करोगे। और अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।